बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ देखिए पत्थरों से ही बना हुआ है और मुझे तो बहुत मज़ा लगा दोस्तों इस बात को देख के। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मैं अभी कातीगुड़ा में हूँ और मेरे साथ मेरे एक भैया है। तुम्हारा नाम क्या है? ओमकार शर्मा। ओमकार शर्मा है तो उन लोग मुझे थोड़ा मदद कर रहे हैं और हम दोनों अभी चाय पीने के लिए जा रहे हैं। मेरा बैग इसको घर रखे है दोस्तों और थोड़ा इधर रुकेंगे और ये मार्केट एरिया है, अभी नहीं खुला है, शाम को ज़्यादा भीड़ होता है, अभी तो नहीं है। देखिए दोस्तों एक गांव है और मैंने अभी कातीगुड़ा से इधर आया और अब मैं डोंगा गाड़ जाने वाला हूँ। इससे पार होंगे तो हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे, तो जो काशीपुर एरिया है वो एरिया हम लोग चला जाएंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए मैंने इधर कुछ खरीद खरीद के खाया और मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर ज़्यादातर छोटा छोटा ही गाँव है। जो खातीगुड़ा है बहुत थोड़ा बड़ा है, इससे मैं सुकली जाऊंगा। सुकली के बाद जो लुतिकुड़ी है उस पे वहाँ जाऊंगा। वहाँ से 1 किलोमीटर होगा, जो दुकान वाले भाई ने बताया 1 किलोमीटर ही है, जो वहाँ पार हो जाऊंगा तो दोस्तों मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाऊँगा। देखिए इस तरह का नज़ारा है, तो चलो चलते हैं यार, मज़ा आ गया है दोस्तों ट्रैवल करके मुझे। मैं इंद्रावती डैम के पास आ चुका हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा उस तरफ धूप निकला हुआ है दोस्तों इस वजह से, और दिख रहा है ना वहाँ पर इंद्रावती डैम, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और देखिए ओह बहुत मज़ा आ रहा है एरिया मुझे। और ज़्यादा मैं शूट नहीं किया दोस्तों, क्यों ना रात हो गया, जो नवरंगपुर से आ रहा था ज़्यादा रात हो गया इस वजह से नहीं किया, और सुबह लगभग 5 बजे निकला था। देखिए ऐसा है नज़र, आप लोग को शायद दिख रही है, वो है इंद्रावती डैम है। मैं तो चला, बहुत ही कमाल लग रही है दोस्तों। देखिए क्या यार कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, मुझे बहुत ही मज़ा लग रहा है, मतलब इस तरह का सीन ना मैं पहले कभी नहीं दिखा था दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा मोबाइल थोड़ा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है शायद, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों ये देखिए, इतना बड़ा नदी पत्थरों से ही बना हुआ है और मैं अपन चला तो बहुत बहुत मज़ा लग रहा है। और मैंने जो वहाँ पर दुकान से कुछ केक लिया हूँ उसको खा कर मैं चला जाऊँगा। देखिए कितनी खूबसूरत का नज़ारा है, और मैं अभी हूँ इधर, इधर से शायद जाना होगा। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, वाह क्या सीन है, इंद्रावती डैम है। और मैं तो अब चला घूमने के लिए, देखिए यहाँ का सीन इस तरह है और पुल पे देव वगैरह भी है इधर, देखिए मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखिए बहुत ही कमाल लग रहा है मेरे, कि दोस्तों मैं डैम के पास अभी आ चुका हूँ और यह है नदी,
दिख रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा है यह सच में। और यहाँ पे पास में एक शादी हो रहा है दोस्तों, गाना बजा रहे हैं, देखिए इस तरह का नजारा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देखिए पत्थरों से ही बना हुआ है, और मुझे तो बहुत मज़ा लगा दोस्तों इस बात को देख के। पानी भी है, बहुत ही साफ है पानी, देखिए मछली वगैरह भी आप लोग को दिख सकता है, देखिए मछली वगैरह, बकरियाँ आ रही हैं ऐसी, और पत्थरों से ही विसर्जन कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, सच में जगह छोड़ के जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो दोस्तों इधर तो मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, मुझे भी चलना है और भी दूर जाना है। मैं आ गया हूँ दोस्तों, देखिए इधर एक गांव है, वो गांव में आ गया। ये गांव का नाम मुझे नहीं पता कि क्या गांव होगा, शायद मुझे तो नहीं पता है, और अभी चलता रहना है। देखिए इस तरह का गांव है, और चलेगा बहुत ही खूबसूरत। एक गांव है, इस गांव का नाम बोल रहे थे नागी है इस गांव का नाम। और मैं अभी इस साइड से जाऊंगा, और मुझे डोंगा घाट मिल जाएगा जहां से मुझे बोट मिलेगा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। बहुत मज़ा लग रहा है, अलग ही फीलिंग आ रही है मेरे को, देखिए कितना ऊपर उठना पड़ेगा पता नहीं। दोस्तों अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, बहुत ही बड़ा है दोस्तों ये, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, इस तरह का नज़ारा पहली बार दिख रहा हूँ, जो मालकानगिरी का जो सतीगुड़ा डैम दिखा और ये ही देखा दोस्तों। और ऐसा छोटा छोटा डैम दिखा था, पर इतना बड़ा डैम नहीं दिखा था दोस्तों। देखिए इधर पार्क जैसा भी बना हुआ है, वहाँ पर मैंने तो ज़्यादा घुमा नहीं। ये गेट है, पत्थर को किस तरह काटे दोस्तों, मजा आ रही है दोस्तों। इंद्रावती डैम बोलते हैं दोस्तों इसको, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सच में मज़ा आ रहा है मेरे को देख के, थोड़ा इस तरह का नज़ारा मुझे भी नहीं दिखा था। सो ब्यूटीफुल है सच में, वाह दिमाग हिल जा रहा है ये देख के मेरे को, सच में यार मतलब ऐसा लग रहा है कि अखेंसी दुनिया में आ गया, इस तरह ही लग रहा है मेरे को मतलब सच में बोलते तो बहुत ही कमाल लग रही है दोस्तों।